Welcome back to the channel. I hope you guys are really doing well. So I am back with another very tasty and yummy food vlog. आज हम लोग आए हैं कच्ची चटकास में, जो है भरूच में बेसिकली बेस्ड है. एंड मैं सोच रही थी काफी टाइम से कि कुछ मैं नया ट्राई करूँ. दाबेली मैंने पहले भी ट्राई की, गुजरात की, भरूच की स्पेशली मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में डाली. अगर आपको चेकआउट करना है तो आप ऊपर दिए गए आइकन पर जाके मेरी लास्ट वीडियो भी चेक कर सकते हैं. सो आज मैं आई हूँ कच्ची चटकास में एंड दे बेसिकली सर्व अ वेरी 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 ह्यूज अमाउंट एंड ह्यूज वेराइटीज ऑफ दाबेली ओवर हियर एंड बाकी सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी आगे ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ. तो मैं प्ली कैफे सर्च करी थी यहाँ पे कि कैफे से मुझे क्या नया मिल सकता है. तो बहुत सर्च करने के बाद मुझे यही जगह मिली. मैंने इसके रिव्यूज देखे एंड पूरे रिव्यूज देखने के बाद और लोकल से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं फाइनली यहाँ आई हूँ इसका रिव्यू करने. सो बहुत हो गई बातें, अब बातों के अलावा अपन यहाँ के ओनर हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ का आइडिया कैसे आया. सो मैं आ गई हूँ फाइनली कच्ची चटकास के ओनर के पास एंड उनसे बात करते हैं कि वो अपने बारे में कुछ बताएं एंड क्या उनका आइडिया था और क्या थीम था कि उन्होंने ये इतना शानदार कैफे हाउस चालू किया. ओनली फॉर दाबेली एंड लिटिल स्टफ. तो प्लीज आप अपने खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए और मुझे बताइए आपका आइडिया क्या था यहाँ के लिए. मेरा नाम पीयूष व्यास है. करीबन एक साल हो गया ये आउटलेट को ओपन किए हुए और एक साल में जो कस्टमर फीडबैक जो रिस्पॉन्स मिला है वो देट इज रियली सरप्राइजिंग. और ऐसा लग रहा है कि जो मैंने ये लाइन सिलेक्ट किया है वो परफेक्ट लाइन है. एक्चुअली बेसिकली मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और मास्टर्स में MBA किया हुआ है और उसके बाद 15 साल मैंने इंडस्ट्रीज में डिफरेंट MNCs में काम किया हुआ है. उसके बाद मुझे अचानक से ऐसा ख्याल आया कि काम तो हर एक कंपनी में सेम रहता है बट जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है वो मुझे जॉब में मिल नहीं रहा. तो मुझे लगा कि समथिंग डिफरेंट किया जाए कि जो मेरा एक पैशन में हो, जो मैं इंडिपेंडेंटली कर सकूँ, जिसमें मुझे कुछ ऐसा बॉस जैसा ना हो कि मैं मतलब किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ या किसी के प्रेशर में काम कर रहा हूँ. तो मैंने ये लाइन सिलेक्ट किया कि जिसमें मुझे फूड बनाने में एक अलग ही मज़ा आता है मुझे खाने में. तो उसी मतलब एक शौक और दूसरा बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाह रहा था. मैं सोच रहा था मैं ऐसा क्या बनाऊँ कि लोगों को और भरूच के लिए जो कुछ समथिंग डिफरेंट हो. तो मैं बेसिकली 25 साल मैंने कच्छ में निकाले हुए. मैं ब्रॉन एंड ब्रॉटम फ्रॉम भूज कच्छ. यस. तो वहाँ की जो दाबेली है वो वन ऑफ द बेस्ट. वो एक्चुअली ओरिजिन दाबेली का कच्छ से है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना दाबेली को ही यहाँ पे लाया जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दाबेली बनाते हैं. गुजराती का फूड लवर एंड स्पेशली दाबेली लवर मुझे भी बहुत पसंद है. बट जो यहाँ का जो टेस्ट जो था वो ओरिजिनल टेस्ट नहीं आ रहा था. जो ओरिजिनल क्योंकि मैं वहीं पे बड़ा हुआ तो मुझे पता था कि वहाँ का टेस्ट क्या है. तो उस ओरिजिनल कच्छ के टेस्ट को, भूज के टेस्ट को मैं यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्टअप किया और ओरिजिनल वहीं का जो टेस्ट था वो यहाँ पे मैंने शुरुआत किया ऑनलाइन. और वो लाजवाब है. वो जैसे आप भी अभी टेस्ट करेंगे. Exactly, मैं टेस्ट जरूर करूंगी. एंड मुझे बताइए आप क्या स्पेशल देते हैं. लाइक दाबेली बाहर भी मिलती है, बहुत जगह मिलती है, बट यहाँ की दाबेली में सब क्या अलग है जो मुझे बाहर खाने को कहीं नहीं मिलेगा. नंबर वन जैसा मैंने आपको बताया कि टेस्ट जो है वो समथिंग यूनिक है और वो कच्छ का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो यहाँ पे लाया है. अदर थिंग है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी जो दाबेली के मसाले में जो दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता था जबकि कच्छ में आप जाते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी मैटर करता है. वो पूरा एक भरा रहता है जो यहाँ पे नहीं मिलता था. एक क्वांटिटी मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है और साथ में यहाँ पे जो लोग खाते हैं उनको हम एक दाना भी एक्स्ट्रा सिंग दाना जो रहता है पीनट वो एक्स्ट्रा मिलता है और साथ में चटनीज भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो हम देते हैं. आप मुझे बता रहे थे कि आपकी जो चटनीज है वो काफी फ्लेवरफुल और काफी अलग अलग है तो आप मुझे चटनीज के बारे में कुछ बताइए. एक्चुअली दाबेली में जो चटनी रहता है दैट इज इमली का चटनी जो रहता है मेनली इमली का या वो भी एक स्पेशल टेस्ट रहता है क्योंकि जो मिठास है और जो खट्टास है वो चटनी से ही आता है. एग्जैक्टली वो परफेक्ट बैलेंस दाबेली का चटनी से ही आता है.
तो वो एक स्पेशल चटनी हम देते हैं, उसके साथ लहसुन की चटनी रहती है जो जो भी एक प्रोसेस होके टेस्ट बनाया जाता है। और तीसरा जो चटनी है वो है ग्रीन चटनी, जो स्पेसिफिकली आप जैसे ये कच्छ में दाबेली फेमस है, जैसे राजकोट में जाएंगे तो राजकोट में ग्रीन चटनी है वो बहुत ही फेमस है, जो एकदम खट्टी रहती है और आपको खाने में आपको एक अलग ही मजा आता है, जो बेसिकली बेल है, पूरी है, सेव पूरी है, चाट मसाला है उसमें यूज होता है। तो वो चटनी भरूच में यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वहाँ पे मिलती नहीं है, तो वो चटनी हमने यहाँ पे ये सब आइटम्स के लिए एडोन किया। तो बहुत कुछ सुन लिया है मैंने, अब मैं वेट नहीं कर सकती टेस्ट करने के लिए, तो चलते हैं मेकिंग की तरफ और देखते हैं कि कैसे बनाते हैं अपने स्पेशल स्पेशल दाबेलीज और बाकी चीजें। तो चलते हैं किचन में और किचन में चेक करते हैं, और फिर उसके बाद ऑफकोर्स माई फेवरेट पार्ट टेस्टिंग का होगा। सो लेट्स गेट इन टू द किचन। स्पेशल आइटम मुझे बिल्कुल ओनर के हाथ से खाने को मिलने वाला है, टेस्टी भी होगा ऑफ कोर्स। आपकी रेसिपी है तो आपके हाथ से बनेगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। बारबेक्यू सॉस। ओके, तो मैं इसको जरूर टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत उन्होंने प्यार से बनाया है एंड इतना सुंदर दिख रहा है ये, मतलब पहली बार मैं ऐसी दाबेली अब टेस्ट करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारी ट्राई की पर दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका नाम क्या है, आप मेरे को नाम नहीं बताया। स्पेशल कच्ची दाल। स्पेशल कच्ची दाल मतलब जो हम प्लेट सर्व कर रहे हैं, दैट इज इको फ्रेंडली। ओके, दैट इज मेड फ्रॉम अ रीयूजेबल शुगर, नॉट रीयूजेबल बट शुगर केन पल्प, इट इज बायोडिग्रेडेबल। ओके, इट्स बायोडिग्रेडेबल। ओके, इको फ्रेंडली। शुगर केन जो पल्प है उससे बनता है। हां, इट इज अ लिटिल बिट कॉस्टली बट वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक और थर्मोकोल। यस, दैट्स राइट। Even the spoon is made from the wooden spoon. Okay, so it's all biodegradable, all eco-friendly. Eco-friendly. That is right. बता रहे हमें। Cheese bread पत्ता। इसमें क्या है ये? Exactly. Basically ये जामनगर का famous item है। Okay. उसमें जो आपको बताया वो ग्रीन चटनी का जो एक चटका लगता है वो एकदम अच्छा लगता है। Okay, तब उसकी making देखते हैं आप। ऑनियन का अलग से चटनी रहता है। ओके, तो अगर कोई जैन खाना चाहता है तो विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक में भी है। लॉट्स ऑफ चीज ऑन द टॉप। ओके, ग्रीन चटनी ऑन द टॉप। ओके, अगेन again, so it's lots of stuffed flavors of chutneys. Ready sa item hame bata rahe hain, sev puri. Okay, sev puri matlab basic sev puri hai ya usme bhi aapka kuch innovation aapko bataya jo chutneys hai yahan ki, ha ha, wo kahin pe bhi use nahi hota hai. Okay, so wo isme ek alag hi combination hai.
जैसे कि हमारी दावेली आ गई, ये हमारा ब्रेड कटका, चीज ब्रेड, चीज ब्रेड कटका, और ये सेव पूरी। प्रिपरेशन रेडी, अब मैं टेस्ट करके देखने वाली हूँ कि कैसा है फाइनली यहाँ का टेस्ट। मैं बहुत एक्साइटेड थी कब से, जब से प्रेप चल रहा था पूरा, कब खत्म हुआ और मैं कब फाइनली टेस्ट करके देखूँ आप लोगों को रिव्यू दूँ कि एग्जैक्टली कैसा है यहाँ का टेस्ट। पहला आइटम हमारा वो है दावेली। इसमें ऊपर आपको बारबेक्यू सॉस मिल जाएगा, ये तंदूरी सॉस या चटनी जो आप बोल सको, और फिर चीज ऑफ कोर्स, देयर लॉट्स ऑफ चीज, और इसको परफेक्टली कट किया गया। अंदर मसाला, पूरी स्टफिंग देख सकते कितनी शानदार स्टफिंग पूरी अंदर दिख रही है। इट्स लोडेड, इट्स कम्प्लीटली लोडेड, और साथ में साइड में एक्स्ट्रा पीनट्स है। जिनको अंदर और पीनट्स स्टफ करना है वो आप कर सकते हैं। तो मैं आप टेस्ट करके देखती हूँ, बहुत हो गया बातें। तो जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। बाप रे, इतना लोडेड है कि पूरा गिर रहा है। वाओ, दिस इज सो गुड, थैंक यू, दिस इज रियली सो गुड। पूरा लहसुन का जो फ्लेवर है ना, जो जैन है, नो ऑफेंस बट सीरियसली, जो लहसुन का फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, जो चटनी लहसुन की। इवन जो बारबेक्यू सॉस है, मुझे लगा नहीं था दावेली पे कभी बारबेक्यू सॉस इतना अच्छा लगेगा, पर वो भी काफी अच्छा है। पीनट्स काफी क्रंची टेस्ट दे रहे हैं अंदर, थोड़ा अंदर से सॉगी हो गया क्योंकि मैंने बहुत टाइम रख दिया था फिर टेस्ट किया, बट ऊपर की लेयर अभी भी स्टिल क्रिस्पी है। पूरा सब्जी का फ्लेवर इतना अच्छा है अंदर क्योंकि कम्प्लीटली लोडेड है। आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में भी देखा, जितना भी मैं खाना खाती हूँ, जितना भी मैं आपको दिखाती हूँ, प्योर वेजिटेरियन होता है और प्योर ऑथेंटिक होता है जैसा मुझे पसंद है। बट मैंने सोचा इस बार कुछ इनोवेशन करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई कुछ इनोवेटिव खाना खाने। एंड सीरियसली, चीज एंड बारबेक्यू सॉस, दैट किलिंग इट। जो अपन टेस्ट करने वाले हैं वो है ये, दिस इज सो प्रिटी। पहले ऊपर यू कैन सी पीनट्स, देन वी हैव चीज, देन नीचे जाके व्हेन यू डिग इन यू गेट ब्रेड हियर, सी यू गेट ब्रेड हियर व्हिच इज फुल्ली सोक्ड इन ब्यूटीफुल चटनीज। चीज ब्रेड कटका इज वेरी ब्यूटीफुल, पूरा ब्रेड में फ्लेवर है, तीन अलग अलग चटनियों का फ्लेवर है इसमें, साथ में लहसुन की चटनी भी डली हुई है ना, लहसुन की चटनी भी डली है, लहसुन मेरा फेवरेट। पीनट्स की टॉपिंग है तो क्रिस्पी, सॉगी एंड मॉइस्ट, पूरा फ्लेवर इसमें मिक्स है, एंड चीज ऑफ कोर्स, डोंट फॉरगेट द चीज। सो बिकॉज़ गुजराती पीपल लव चीज, दे पुट चीज इन एवरीथिंग, लाइक सीरियसली पानी पूरी में चीज मैंने कभी नहीं खाई। तो ये ट्राई करते पहले अपना। इसमें आपको अनियंस मिल जाएंगे, इसमें टमेटोज हैं, टमेटोज, अनियंस, ऊपर भी जो गार्निशिंग की है, गार्निशिंग में भी उन्होंने चटनी ऊपर से भी डाली है। सो द क्वांटिटी इज गुड, द क्वालिटी इज गुड, द सर्विंग क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, आई जस्ट लव्ड इट। सो ब्रेड को ना थोड़ी देर रख दिया था मैंने जब बाकी डिशेस बन रहे थे, पूरा चटनी ना अंदर तक चला गया ब्रेड के, एक बाइट में पूरा मेल्ट हो गया। दिस इज सो ऑसम, एंड सीरियसली मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ, अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा यहाँ आओ और आप खुद टेस्ट करके देखो कि सीरियसली दिस इज सो नाइस। मतलब पहले मैंने जब रिव्यूज देखे थे ना, पीपल लाइक देयर इज वेरी गुड, ये वो वगैरह वगैरह, बट मैंने यहाँ ट्रूली आके टेस्ट किया, दिस इज रियली गुड। अब लास्ट डिश फाइनली, जो सबसे ज्यादा मतलब शॉकिंग थी मेरे लिए, बिकॉज चीज सीरियसली ऑन पानी पूरी, दिस इज समथिंग यूनिक। इसमें उन्होंने तीनों चटनियों का यूज किया है जो काफी फ्लेवरफुल है, ऊपर से पीनट्स है, और मेन थिंग ये है, यूजुअली अपन जो सेव पूरी खाते हैं उसमें यूज होता है पटेटो का, जो अपना आलू का मसाला भरते हैं, बट इसमें उन्होंने चिवड़ा भरा, जो चिवड़ा होता है ना उसमें उन्होंने चटनियां डाली, उसको पहले फ्लेवरफुल किया फिर उन्होंने इसमें डाला है, तो ये बिल्कुल अलग है मेरे लिए। तो इसको ट्राई करके देखो, चम्मच से कोई नहीं खाता पानी पूरी, सब हाथ से खाते हैं, और जो हाथ से खाने वाले नहीं है ना वो मुझे कमेंट करके बताना कि कोई हाथ से कौन नहीं खाता। तो पहले ये ट्राई करके देखते हैं, सो ब्यूटीफुल, इसको ट्राई करके देखते हैं। सुंदर सी पूरी, पूरी भरी हुई, ये मसाला सबसे बेस्ट है। इवन दे हैव
मैक्सिकन सालसा ऑल्सो, मैक्सिकन सालसा दाबेली, वाओ। देन दे हैव रेगुलर दाबेली ऑफ कोर्स, उसमें कोई वेरिएशन नहीं, जो ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी है। सो मेरा आज का ब्लॉग यही खत्म होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया था एंड मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो कुछ नए डिशेज यहाँ जरूर ट्राई करूंगी। एंड आप लोग भी अगर आसपास हैं या इवन भरूच में कहीं पर भी है, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू ट्राई ऑन। एंड अगर आप यहाँ आके ट्राई करें, जस्ट क्लिक अ पिक्चर एंड टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। सो फॉलो करो जल्दी जाके एंड यहाँ सब्सक्राइब भी कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से। बहुत से लोग आप पूरी वीडियो देखते हो सब्सक्राइब भी नहीं करते, हद है। एंड इंस्टाग्राम पे आप कच्ची चटकास्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मैं ये बाकी वीडियोस भी जाके जरूर चेकआउट करना, भरूच वाली सीरीज बहुत अच्छी है, स्ट्रीट फूड भी बनाया मैंने उसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर एंड तक देख लिया तो लाइक कर देना, जो नए सब्सक्राइबर्स है सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में, टिल देन फुलफिल योर आत्मा विद टेस्टी एंड यम्मी फूड एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।